और गाइज़ ये मैंने एक नया स्कूटर ख़रीदा है, स्कूटर बुक कह लीजिए या मोपेड कह लीजिए, वो मैंने ख़रीदा है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कूटर है, आप थोड़ा गेस करना, और क्यों ख़रीदा है। और इसका मैंने अभी इंस्टा पे पोस्ट तो नहीं किया, बट हाँ आप अगर फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको शायद पहले पता लग जाए कि मैंने कौन सा ये स्कूटर ख़रीदा। और अगर आपको अगर ये पीछे से देखने में समझ आ रहा हो तो बिल्कुल आप वीडियो को रोको और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन सी स्कूटर है। तो हाँ, तो जैसे कि आपको पता है मैंने अपने डोमिनार को सेल आउट कर दिया है, आपको पहले भी बताया था ना, तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया है। उसको सेल करने के बाद अभी मुझे एक स्कूटर या स्कूटी या मोपेड उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि सिटी में मैं अभी ज़्यादा राइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है। और इसको आप देख सकते हो पीछे से, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हालाँकि वीडियो में अभी दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये है अप्रिलिया की तरफ से स्टॉर्म 125, अभी अप्रिलिया का लेटेस्ट लॉन्च है। और अप्रिलिया की तरफ से ये सबसे स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट स्कूटर। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप की है। अभी मैं आपको पूरी इसके क्लिप्स दिखाता हूँ, तो आप खुद देखना और बताना आपको कैसी लगी। तो अभी मैं इसको राइड करने वाला हूँ अपनी सिटी राइड में। चलाने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब जो नॉर्मल स्कूटर है ना उनसे काफ़ी डिफरेंट है। एक मैं कंपेरिजन वीडियो आपको बताऊँगा बना के, किसी भी नॉर्मल से स्कूटर से कंपेयर करके। तो चलाने में काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी फीलिंग देती है, स्पोर्टी स्कूटर मैं इसको बोल सकता हूँ। और स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुद्दे की बात जो मुझे स्कूटर की नहीं पसंद आती, जैसे अगर छोटे टायर होते हैं तो ब्रेकर्स वगैरह में दिक्कत आती है, तो इसके टायर काफ़ी वाइड है। मैं आपको बताऊं 130 mm की वाइडनेस है टायर की, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि जो पल्सर NS200 है जितना मोटा उसका रियर टायर है, उतने ही मोटे इसके फ्रंट और रियर के टायर हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी जो व्हील साइज़ है इसका 12 inch का है, तो काफ़ी सही है। मतलब अगर ख़राब रोड है तो वहाँ भी बहुत अच्छे से चलती है, मुझे काफ़ी पसंद आई इसलिए मैंने इसको ख़रीदी। और ये देख सकते हो हमारे पास ये वाइट कलर है, ग्लॉसी वाइट। इसमें आपको एक मैट येलो भी मिलता है और रेड भी मिलता है, मैट रेड। तो यही मैंने खरीदी। आप बताओ आपको कैसी लगी स्कूटर। मुझे अभी मैंने लगभग इसको अभी कितना 130 km चलाया है, तो 130 में काफ़ी सही लगी मुझे, ठीक है। आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बस आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने एक स्कूटर ख़रीदी है, तो बताओ अभी आपको कैसे लगी। इसका रिव्यू आएगा धीरे धीरे, रिव्यू भी करूँगा, माइलेज भी निकालूंगा। अभी हाँ माइलेज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट देखते हैं आगे कैसा मिलता है। तो यही है, और आप बताओ आप इसको ख़रीदना चाहोगे कि नहीं। और हाँ, मैंने डोमिनार बेची, अभी मुझे अर्जेंट में चाहिए था एक कोई स्कूटर, इसलिए मैंने इसको ख़रीदी है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये ख़रीदने वाला हूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि अगर प्लान होता तो मैं आपको वीडियो में बताता। और अभी गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, छोटी सी क्विक वीडियो है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।